तो ये हूँ मैं, वॉकिंग इजिली थ्रू कॉबवेब। भाई तू चीटिंग कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। बट ये मैं कैसे कर रहा हूँ? अगर हम लोग नॉर्मली कॉबवेब से जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट अब मैं इजिली कॉबवेब से पास हो पा रहा हूँ और मैं इसी ट्रिक की मदद से इस एसएमपी को डोमिनेट करने वाला हूँ। तो रिसेंटली मैं ज्वाइन करता हूँ एक लाइव स्टील एसएमपी जहाँ पर टूर्नामेंट्स होते रहते हैं एंड जो भी फाइट को जीतेगा उसे बहुत सारे हर्ट्स मिलते हैं। मैंने सर्वर ज्वाइन कर दिया। अच्छा वो भी कोई खेल नहीं रहा, ठीक है, बेस्ट टाइम पे ज्वाइन किया मैंने। तभी तो बुलाया मैंने इस टाइम पे। हेलो, काम आएगी तुम्हारे। तो थोड़े सामान मिलने के बाद अब समय आ चुका था यहाँ पर ग्राइंडिंग करने का, आई मीन हर्ट्स ग्राइंडिंग का। भाई मार के रहो, भाई मार के रहो। स्पॉन पे जो भी न्यू बंदे ज्वाइन कर रहे थे मैं उनको मार के उनके हर्ट्स ले रहा था। मैं और अल्ट्रॉन लगे हुए थे इस प्लेयर को बैन करने के लिए, बट पता नहीं कैसे ये बंदा यहाँ से एस्केप कर चुका था, मगर चार हर्ट मुझे मिल चुके थे। मेरे पास 14 हर्ट्स है, तुम्हारे पास 17। उसके बाद मैं और अल्ट्रॉन जाते हैं एक बंदे का बेस रेड करने के लिए। अल्ट्रॉन मैं जा रहा हूँ नीचे। हेलो 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 हेलो, तू यहाँ कहाँ से आया? तुझे लगता तू मुझे मार देगा? हेलो सर, कैसे हो? अनबाउंड आर्मर मैन, व्हाट? रिस्पॉन कर, कॉम्बैट है। तू तो गया बेटे, क्या सामान चुराएगा, क्या उठा लेगा? अरे तू मुझे मार रहा है अल्ट्रॉन। साइड रो, नो साइड रो, हार्ट ले। अब तुम काम करो इसको, मेरे तो बैन कर नहीं आया भाई, बैन वही तो करने आए, आर्मर मिल गया भाई एक्स्ट्रा। तो मैंने और अल्ट्रॉन ने इसके बेस पे जाकर इसे बेड ट्रैप करके इससे बहुत सारे हर्ट्स निकाल लिए थे एंड लास्ट में मैं उसे बैन कर देता हूँ, जिसके बाद मेरे पास आ जाते हैं बहुत सारे हर्ट्स। देख ओ भाई, यहाँ तो बहुत सारे एमरल्ड्स हैं। तो मैं और अल्ट्रॉन इसी बेस के अंदर ग्राइंड करना शुरू कर दिया था। इस बेस का ओनर तो बैन हो चुका है। भाई भाई कितना एमरल्ड है बंदे पे? अब मैं फुल लगभग स्टैक हो चुका हूँ एसएसएमपी के अंदर। एंड अब बताओ अल्ट्रॉन, तुम किस टूर्नामेंट की बात कर रहे थे? ओके, सो उस टूर्नामेंट में कुछ ऐसा है जैसे तुम्हारा एक 1v1 होगा एक किट के साथ, अलग अलग किट्स, एंड अगर तुम जीतते हो वो पूरा सामान तुम्हारा। किट सेम होगा कि? सेम होगा। जब सब प्लेयर्स आ जाएंगे तो टूर्नामेंट उसी वक्त स्टार्ट हो जाएगा, तो रेडी रहो तुम। तो इसके बाद मैं स्पॉन पर ही रहता हूँ और मैं ऐसे ही घूम रहा था स्पॉन पर और मुझे तभी दिखा देता है एक फुल स्टैक्ड बंदा, और मेरा यहाँ पर टीममेट भी नहीं था मेरी हेल्प करने के लिए। अल्ट्रॉन बोलो, क्या हुआ? पर आओ, स्पॉन पर एक नेदराइट आर्मर का बंदा, ठीक है? अरे मरना मत भाई प्लीज, आराम। ओके मुझे देख गए, मैं आ रहा हूं, मार रहा हूं। पी अरे दोनों की वीडियो, कोई भी मार दो फर्क नहीं पड़ता, बस मरना चाहिए। अभी जो टोटा मिनी पॉप हुआ मारोगे क्या? कहाँ गया टोटम गया? इजी, इसका पहला टोटम गया एसएमपी में। भाई खतरनाक, अबे वर्स्ट है भाई, खतरनाक ग्राइंडिंग वाला बंदा लग रहा है मेरे को। मैं गया अनमोन, मेरा टोटम गया, बच के थोड़ा मार सकते हैं, हम लोगों के पास हर्ट एडवांटेज है। एक क्रीपर अपना साथ दे रहा है, इजी है ये। गया अनमोन, लो है, बहुत लो है। इजी, लेट्स गो भाई, जीजी ये कवर मिल गया। ए मेरे को भी चाहिए एंचेंट, दो मिनट दो ना। अब तो मैं तुमको मारूंगा भाई। ये तो अब मैं इस एसएमपी के अंदर फुल स्टैक्ड हो चुका था एंड अब बस टूर्नामेंट्स खेलकर इस एसएमपी को डोमिनेट करना था। ओके, तो मेरा पहला राउंड यहां पर स्टार्ट हो चुका है जो कि है एक आयरन किट। ए जीजीज, और जीतने के बाद मुझे जो भी हर्ट मिलेगा मैं उसे एंडर चेस्ट के अंदर डाल दूंगा। We'll be right back.
तो लगातार टूर्नामेंट जीतने के बाद मेरे पास 20 हर्ट्स का प्रॉफिट हो चुका था एंड अब बारी आ चुका था फाइनल खेलने का। गाइस यहां पे अनबॉक्स का आ गया फाइनल पे और अभी अनबॉक्स का फाइट करने वाला है डीकेजी के साथ। डीकेजी वही बंदा जिसको मैंने स्पॉन पे भगा भगा के मारा था, जिसको हम लोग ने 3 हर्ट पे जाने दिया था, वही बंदा मेरे साथ आज फाइनल खेल रहा था। रेडी 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 3 2 1 स्टार्ट। ये आर्मर क्यों उतार रहा है? वेट व्हाट? अबे नेदरराइट आर्मर में अनबाउंड याद है जब तूने मेरे को एसएमपी के अंदर मार दिया था, उस टाइम पे मैं अकेला पड़ गया था, मेरा कोई दोस्त नहीं था पूरी टीम के अंदर। और अब देख तो तुम लोग को लगता है कि तुम लोग अभी भी मुझे मार सकते हो? मार लो, ट्राई करो भाई मारने का। तो जब भी मैं एरिना के अंदर फाइट करता हूँ, मैं अपने बेस के अंदर एक एंडर पल चेंबर बनाता हूँ, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर बच गया था। फाइनल राउंड में यहाँ पर डीकेजी ने चीटिंग करा, और तो और ऑडियंस में जितने बंदे थे वो भी उसके साथ थे, और मैं जरा सा भी टाइम वेस्ट और वहाँ पर करता तो मैं यहाँ पर एलिमिनेट भी हो सकता था। बट अगर डीकेजी को हम लोगों से फाइट लेना ही था तो हम लोग वहाँ पर चले गए वापस से फाइट करने के लिए। चलो चम्मच गैंग एक बार बताते इनको। आओ आओ फ्लेम की स्वर्ड लेकर। तो इनकी गैंग के कुछ मेंबर को मैंने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया था। ओए 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 तुम लोग अभी भी लड़ रहे हो? वेट ए वेट 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 भाई ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोगों ने रूल ब्रेक किया है, रुक जाओ भाई। ये कैनन पागल हो गया, मारी जा रहा है। अरे चीट लगा के बैठा हुआ हूं, तुम नहीं खेल सकते ऐसे, रूल तोड़ा है। ए किक एक। तो हम लोगों ने यहाँ पर टूर्नामेंट का रूल ब्रेक किया था, तो सबको सर्वर से किक कर दिया गया एंड फाइनल को बाद में शेड्यूल कर दिया गया। तो अभी मैंने यहाँ पर पूरे एरिना को कॉबवेब से भर दिया है और अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ पीवीपी, बट इस बार मेरे पास है बहुत खतरनाक ट्रिक। तू छल कैसे ले रहा है भाई? अभी ये तू कैसे कर रहा है भाई? ये तो चीटिंग है भाई, साफ साफ चीटिंग है। ओ भाई तू तो कॉबवेब के आर पर आ रहा है भाई, कैसे? तो मैं ये सब कर पा रहा हूँ नो वेब मॉड के चलते, जिससे कि मैं इजीली कॉबवेब के थ्रू चल सकता हूँ और इसी टेक्निक के साथ मैं जीतूंगा इस फाइनल को। तो लास्ट राउंड खेलने से पहले मुझे यहाँ पर सबसे पहले अपना स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार एक बंदा नेदरराइट का आर्मर लेके आ गया था एंड एरिना में एंटर करते मुझे मेरा किट मिल चुका था और अब स्टार्ट होने वाला था यहाँ पर फाइनल राउंड। रेडी 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 3 2 1 स्टार्ट। Yes, मैंने मैच शुरू होने से पहले ही एरिना के ठीक ऊपर जाकर एक चेस्ट रखा जहां पर मैंने कॉबवेब रख दिया था एंड अल्ट्रॉन को बस मैच के बीच में यहां पर चेस्ट को तोड़ना था, जिससे कि मेरे पास कॉबवेब का एक्सेस आ जाए इस पीवीपी के दौरान। मैं चाहता तो इस बंदे को यहां पर बिना कॉबवेब के भी हरा सकता था, बट पिछले मैच में जो भी हुआ था मुझे उसका रिवेंज चाहिए था, बट इन माय वे। मेरे पास जैसे ही कॉबवेब आया मैंने एरिना के चारों तरफ कॉबवेब लगा दिया, मैं तो कॉबवेब के थ्रू चल लूंगा बट ये बंदा उसी में फंस जाएगा।